नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 60 है। इससे पहले मैं इसका 59 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट एक प्रकार की कोयला है। लिग्नाइट क्या है? एक प्रकार की कोयला है। सर आइजक पिटमैन अशुलिपि प्रणाली के प्रवर्तक थे। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखाएं कहते हैं। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बेलगांव अधिवेशन में बने थे। अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा होता है। टाइफाइड मानव शरीर को किसको प्रभावित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में दस सतह होते हैं। खून का महत्वपूर्ण अंग प्लेटलेट है जो स्कंदन में सहायता करता है। समान आंख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण सी ह्यूआन टी ने कराया था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को कक्षा में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर सबसे नजदीक है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम जायरे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर कहाँ स्थित है? जॉर्डन एवं इजराइल के बीच है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2004 के सुनामी हादसे से सबसे प्रभावित देश कौन सा था? इंडोनेशिया था। एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। कास्ट आयरन मैग्नीशियम मिलाने से तन्य होता है। द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक माइका का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अभ्रक माइका का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोगी मीटर किलोवाट घंटा मीटर कहलाता है। आर्मेचर का कंप्यूटर कम्यूटेटर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। एक थ्रोटलिंग प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है। एक थ्रोटलिंग प्रक्रम में दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब स्थिर रहता है। एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर लोड होता है। एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन कोर में पाइप छिद्र हिस्टोरिसिस सेथिल्स क्षति का बचाव करते हैं। आयरन कोर में वायु छिद्र हिस्टेरिसिस सेथिल्स क्षति का बचाव करते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद से संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? लंबी कूद से। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह फिजी देश के है। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह कहाँ का है? फिजी देश का है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। यूरोप महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मानव का घर कहा जाता है। भारत एवं बांग्लादेश ने चटगांव एवं अगरतला के बीच बस चलाने का निर्णय लिया। भारत एवं बांग्लादेश ने किसके बीच बस चलाने का निर्णय लिया? चटगांव एवं अगरतला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल कैसा सेल होता है? प्राथमिक सेल होता है। पीतल बनाने के लिए तांबे में जस्ता मिलाया जाता है। पीतल बनाने के लिए क्या किया जाता है? तांबे में जस्ता मिलाया जाता है। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु गुरु को हरगोबिंद था। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख कौन था? गुरु हरगोबिंद था। सल्फर के अणु की सही सूत्र एसेट है। सल्फर के अणु की सही सूत्र क्या है? एसेट है। बुंदा पहाड़ उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। बुंदा पहाड़ उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68° 7' ईस्ट से 97° 25' ईस्ट है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन है। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्व को मनाया गया। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। वाशिंग डो सोडा का सही सूत्र Na2CO3 है। वाशिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? Na2CO3 है। जिन को सबसे पहले हरगोबिंद खुराना ने आइसोलेट किया था। जिन को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? हरगोबिंद खुराना ने आइसोलेट किया था। नेक्स्ट, सनी की रिंग्स की खोज का श्रेय गैलीलियो को जाता है। सनी की रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? गैलीलियो को जाता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रभाव है। लेंज का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम का प्रभाव है। दो मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर था जिसने अपनी जीवन चरित्र स्वयं लिखा। दो मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर था जिसने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा। सामुदायिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद पर होती है। सामुदायिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद पर होती है। फेडरलिज्म भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग है। क्या फेडरलिज्म भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग है? नहीं है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। शहीद दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। मजदूर दिवस 1 मई। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर।
बाल दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। डाक दिवस 9 अक्टूबर, डाक दिवस 9 अक्टूबर। नेक्स्ट है किसान दिवस 23 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर, जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। आतंक विरोधी दिवस 21 मई, आतंक विरोधी दिवस 21 मई। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी, विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी। उत्पादकता दिवस 12 फरवरी, उत्पादकता दिवस 12 फरवरी।